ऐसा ऐसा गोड मिले उनके अपना कर छाट लेना चाहिए। अभी अपन 335 में रोगिंग कर रहे, अभी अपन दूसरों सोया टोको टुकड़ो है वो काम रोगिंग करांगे। चलो जैसो कि यो दूसरा टुकड़ा में सोया टू आयल है, तो एक काम यह का है कि सोया टू जो है वो जल्दी ला गया हो, तो एक काम अपना एक काम पत्तो लग जाए, दूसरी वेराइटी कहीं की नहीं जाए तो उन हिसाब से एक काम पत्तो लग जाए अपना का। जैसो एक काम 335 को अभी फूल आई रही हो, जैसो कि यह सोया टू को टुकड़ो है, इना टुकड़ा में पूरी सोया टू लगी है, एक काम पूरी फली न लगी आई, पर एक काम 335 को जो गोड़ मिक्स है तो एक काम अभी फूल आई रहा, इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा है और फूल अभी आए ले, तो एक काम क्लियर अपना पतो लग जाए। अगर यो गोड़ अपना यहाँ रह गयो तो एक काम काय होएगा कि जब यो बीज रखेंगे अपन तो पूरा बीज यो मिक्स कर देगी, तो एक से अपना का यो निकाल देना चाहिए जिन्हें हिस्सा से बीज रखना है उन हिस्सा में। जैसो कि एक काम आग अपना और देखा तो यो कोई जो पौधा अपना लेला यो 335 को है, यो भी अभी फूल आ ही रहे है। जैसे इन वेराइटी को पत्ता देखा 335 से अलग है, पर फूल बैगनी कलर का है, लेकिन वेराइटी अलग है या दूसरी सोया जो सोया टूसी है ऊँची है, तो ऐसा गोड़ कब निकाल देना क्योंकि यो अभी फूल पर आयल है। जैसो कि अपना ना अभी सोया टू में जो अपन रोगिंग करी रहा, रोगिंग करते करते अपना का अभी दो वेराइटी देखा में मिलेगी, 335 की मिली 93.05 और एक यह वेराइटी अलग है, और एका साथ में अभी अपन जैसा आई रहा, तो यह एक सोया टू और एक ही ऊंचाई करीब बराबर है, पर एका गोड़ में अंतर है, तो इनकी ऊंचाई तो एक जैसी है, पत्ता भी एक जैसा है, इनकी फली में अंतर है, इनकी फली बड़ी बड़ी है और एका जो दाण तीन दाणा की फली थी, एक दो तीन दाणा की, लेकिन एका जो फल नमण रुआ है डंटल में रुआ है सफ़ेद, तो यो गोड़ अपना का अलग दिखी रही है, कासा गोड़ न का उकाड़ देना चाहिए।